माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए हर बार की तरह सरकार ने इस बार भी बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया जिससे पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा पर निगरानी की जा सकेगी। इस बार बोर्ड परीक्षा में 26 लाख छात्राएं और 22 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से सभी केंद्रों की निगरानी की जाएगी और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इस परीक्षा में कुल 58,85,745 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के 31,16,487 और इंटर के 27,69,258 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं। संवेदनशील केंद्र हो चाहे सामान्य केंद्र हो, सब में एक सी स्थिति बनाई गई है, लेकिन कानून व्यवस्था भी सबके लिए एक है। अगर जरा सी भी किसी ने हिम्मत की तो वो बक्सा नहीं जाएगा।